नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। भ्रष्टाचार की नई लहर में मध्य प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस 50% आयोग पत्र के बारे में जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मध्य प्रदेश में पिछले दशकों में हुए अन्य भ्रष्टाचार के मामले। जिस तरह का आरोप लगाया गया है वह सिर्फ एक पत्र नहीं बल्कि यह एक पूरे प्रदेश के प्रतिष्ठान को लेकर सवाल उठाता है। 2013 में व्यापम घोटाला, 2015 में शिक्षक नौकरी का घोटाला, 2017 में पटवारी जॉब स्कैम और 2019 में डॉक्टर पढ़ाई घोटाला, यह सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जिनमें मध्य प्रदेश के लोग प्रभावित हुए। भ्रष्टाचार के कारण जनता प्रदेश छोड़कर और जगह, नौकरी और अधिकार खोज रही है। मीडिया का रोल भी महत्वपूर्ण है लेकिन यहाँ के पत्रकार और संवादक सत्य प्रकाशित करने में संकीर्ण हैं। फिर भी नागरिक अब उत्तरदायित्व महसूस कर रहे हैं। जागरूकता और संघर्ष के माध्यम से वे भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भविष्य में क्या होगा यह हम सभी पर निर्भर करता है। सत्य को उजागर करने और अधिकार पूर्व जीने के लिए संघर्ष करते हैं। जय हिंद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।